हे वेलकम बैक एवरीवन, राजीव हियर। सो गाइस, फाइनली जो है एविनॉक का स्टैकिंग का प्रोग्राम वो आ चुका है, यानी कि आज से स्टार्ट हो जाएगा एविनॉक का स्टैकिंग का प्रोग्राम। तो इसके लिए जो है आपको कुछ रूल्स आपको जो है फॉलो करने होंगे, आपको क्या क्या करना है और किस किस चीज़ों में ध्यान देना है ताकि आपको कोई भी जो है नुकसान ना हो। और अभी भी जो है ये फ्री इंसेंटिव का गाइस ये प्रोग्राम चल रहा है, आप देख सकते हो। तो मतलब अगर आप अभी भी हब लेते हो तो आपको कहीं ना कहीं ये जो है फ्री में एविनॉक टोकन मिलेगा। जिस दिन ये आपको डैशबोर्ड से दिखना खत्म हो जाएगा उस दिन समझ लीजिए कि आपको जो है वो एविनॉक टोकन नहीं मिलेगा। तो अगर एविनॉक स्टैकिंग की बात करें तो ये स्टार्ट हो चुका है, आपको क्या क्या फॉलो करना होगा ताकि आपको से कोई गलती ना हो, ठीक है। तो ये जो है टेलीग्राम चैनल में ऑलरेडी दे दिया है। स्टैकिंग हिंट्स में क्या है कि आपको जो है अब न्यू एंड्रॉयड वर्जन में और iOS वर्जन में वो आ चुका है। अब अपने ऐप को जो जेनिक ऐप आपने डाउनलोड कर रखा है, अगर आपका स्टैकिंग का नहीं दिख रहा है तो आप उसे जो है अपडेट कर लीजिए। उसके बाद जो है नेक्स्ट अगर बात करें हम लोग, तो यहाँ पे आपको स्टैकिंग 2 का अपॉर्चुनिटी दिख रहा है, यहाँ पे अपॉर्चुनिटी 2 का स्टैकिंग दिख रहा है। इसका मतलब यह है कि आपका अगर आप साफिर के मेंबर हैं, अगर आप डबल बेनिफिट उठाना चाहते हैं तो आप मेक श्योर करिए कि आपको जो जेनिक ऐप है वो जो है साफिर के डैशबोर्ड के साथ कनेक्टेड हो, जिससे क्या है कि आपको जो है डबल बेनिफिट मिलेगा। अगर वो मतलब आप मान के चलिए कि अगर वो कनेक्ट नहीं हो रहा तो कोशिश करिए कि दोबारा से कनेक्ट करने का, ताकि जो है आपको जो है वो डबल बेनिफिट मिल सके। देखिए, अगर आपके जेनिक ऐप में अगर नेटवर्क बोनस एक्टिव आ रहा है तो मतलब आपका सही है, आपका जो है वो एक्टिवेट हो चुका है। बट अगर आपका जो है यहाँ पे बोनस इनएक्टिव आ रहा है तो आपको जो है अपडेट करने की ज़रूरत है। अपने जेनिक ऐप को अपडेट करिए, उसको फिर से रिकनेक्ट करिए जेनिक ऐप को साफिर के बैक ऑफिस के साथ, जिसका स्क्रीन का वीडियो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे इस तरह से। उसके बाद नेक्स्ट अगर बात करें हम लोग, जो है यहाँ पे आपको जो है इथेरियम का कुछ वैल्यू आपको जो है इसके अंदर रखना होगा जेनिक ऐप के अंदर। तो कुछ इथेरियम जो है $8 से $10 का इथेरियम जो है लेके यहाँ पे ट्रांसफर करिए अपने जेनिक ऐप में, जिससे कि आपका जो आपको नेटवर्किंग फीस है जब आप स्टैक करोगे, आप कितने भी स्टैक करिए बट आपको जो है छोटा सा मामूली फीस आपको देना होगा इथेरियम के ब्लॉकचेन का नेटवर्क फीस, ओके। उसके बाद जो है आप अपना स्टैकिंग स्टार्ट कर सकते हैं। और एक अपडेट है कि जो भी आप यहाँ पे आज के टाइम पे कर रहे हो स्टैक, तो आप मैक्सिमम से मैक्सिमम 10,000 एविनॉक टोकन ही आप यहाँ पे स्टैक कर सकते हो। इसके बाद जो है कुछ दिनों बाद जो है उसको बढ़ा के अनलिमिटेड कर दिया जाएगा। और जब अगर आप स्टैकिंग कर रहे हो यहाँ पे, स्टैकिंग करते समय अगर आप कुछ ना कुछ अगर एरर मैसेज आ रहा है तो उसको दोबारा से आप जो है वो प्रोसेस करिए, फिर से एक बार जेनिक ऐप फिर से रिकनेक्ट करके देखिए। उसके बाद आपके पास जो है इथेरियम का जो है गैस फीस होना चाहिए $8 से $10, उसके बाद फिर से स्टैकिंग का आपने ट्राई करिए। और इसकी अगर पूरी जानकारी चाहिए आपको कि स्टैकिंग क्या होता है और आपको कितना ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है आने वाले समय में लॉन्ग टर्म के लिए, तो इसके ऊपर गाइस पूरा फुल डिटेल वीडियो है, आप इस वीडियो को देख सकते हो। इसका जो लिंक होगा वो डिस्क्रिप्शन में भी होगा, इसका लिंक जो है आई बटन में भी आपको मिल जाएगा। और अगर मैं आपको एक सिंपली जो है कैलकुलेशन करके बता देता हूँ कि आप कितना यहाँ पे अर्न कर सकते हो और कितना यहाँ पे जो है आप अगर रखोगे यहाँ पे एविनॉक टोकन को, तो आप आने वाले समय में कितना ज़्यादा यू नो आपको इसमें ग्रोथ देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे स्टैकिंग टाइम फ्रेम है। टाइम फ्रेम यानी कि 1 साल 3 साल 5 साल 10 साल 15 साल। लेट्स सपोज आपने 15 साल के लिए रखा है और लेट्स सपोज यहाँ पे जो एक्सपेक्टेड ईयरली जो रेट इंक्रीज हो रहा है, किसी भी जो कॉइन का डेप्रिसिएशन होता है कहीं ना कहीं वो एटलीस्ट जो है 30% तो होता ही होता है। तो हम लोग 30% लेके चलते हैं कि एवरी ईयर जो आपको 30% उसका जो है इंक्रीज देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद आपने जो यहाँ पे 10,000 एविनॉक टोकन जो है वो यहाँ पे स्टैक किया, जिसका वैल्यू आज के टाइम पे 3400 यूरो होता है। 3400 यूरो अगर इंडियन INR रुपीज़ के देखा जाए तो मैं यहाँ पे 90 से मल्टीप्लाई करता हूँ, सिंपली 90 से, थोड़ा कम भी होता है ज़्यादा भी होता है, तो बट 90 एक एवरेज लेके चलता हूँ। 90 अगर मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग यहाँ पे 3400, तो आपको देखिए यहाँ पे करीबन 3,06,000 के अराउंड में यहाँ पे जो है खर्चा आएगा। 3,06,000 रुपये अगर आप यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं तो आपको कितना ज़्यादा बेनिफिट होगा वो हम देखते हैं यहाँ पे। तो स्टार्टिंग आपने किया 10,000 एविनॉक टोकन, जिसका वैल्यू था इतना। इसके बाद जो है आपको 15 साल बाद जो आपको मिलेगा यहाँ पे वो 26,500 एविनॉक टोकन मिलेगा, जिसका वैल्यू होता है आप देख सकते हो यहाँ पे $4,61,184, ठीक है। अगर यहाँ पे आपका जो है इन्वेस्ट जो आपने यहाँ पे स्टैकिंग के लिए जो आपने इन्वेस्ट किया था, अगर इसको हटा दिया जाए तो आपका जो वैल्यू बनता है यहाँ पे लिखा हुआ है गाइस यहाँ पे 4,57,784। तो इसको हम लोग थोड़ा कैलकुलेट करते हैं कि कितना रुपये यहाँ पे इंडियन में होने वाला है। तो गाइस आप देख सकते हो यहाँ पे आपका जो है बनता है वो 4,12,00,000 का इनकम बनता है, 4,12,00,000। ये बहुत ही मिनिमम से मिनिमम यहाँ पे जो है इंक्रीज रेट करके बताया है मैंने आपको, और इतना ज़्यादा आपको बेनिफिट होगा अगर आप सिर्फ यहाँ पे जो है वो अराउंड में जो है यहाँ पे अराउंड में 3,00,000 के हिसाब से अगर आप डालते हो तो। लेट्स सपोज कि आपके पास इतना नहीं है, आप 10,000 नहीं डाल सकते, चलिए हम लोग यहाँ पे जो है मिनिमम से मिनिमम चलिए कोई 1,000 तो डाल ही सकते हैं। एटलीस्ट 1,000 का मतलब होता है 340 यूरो, तो करीबन आपका यहाँ पे पड़ता है वो 30,600 रुपये पड़ता है। 30,600 रुपये अगर आप स्टैक में डाल देते हो तो देखते हैं हम लोग कि यहाँ पे आपका जो है वो इनकम कितना होता है 15 साल बाद।
तो 15 साल बाद देख सकते हो यहाँ पे 45,778, मतलब जो भी आपका जो निवेश था पहला वो हटा के 45,778, चलिए इसको हम लोग ले लेते हैं। तो गैस यहाँ पे आपका बनता है वो करीबन 41,20,000 का। तो इतना ज़्यादा आपको जो है यहाँ पे वो प्रॉफिट मिल सकता है। ओके, आप खुद से भी आके जो है यहाँ पे पूरा कैलकुलेशन कर सकते हैं, खुद से भी आप 5 साल 10 साल जो भी आपको अच्छा लगे वो लेके यहाँ पे मान के चलिए जितना भी आप एक्सपेक्टेड रेट रखते हैं यहाँ पे रेशियो एवरी ईयर कितना बढ़ सकता है उस हिसाब से यहाँ पे लेके, इसके बाद आपको जितना कॉइन यहाँ पे जो है आपको यहाँ पे आपको जितना टोकन जो है आपको यहाँ पे स्टैक करना है वो डालिए यहाँ पे कितना वैल्यू बनता है उसका डाल के आप यहाँ पे खुद भी चेक कर सकते हो सारा कुछ। सो गाइस अगर आपने अभी तक सिस्टम को ज्वाइन नहीं किया है, अगर आपने अकाउंट एक्टिवेट नहीं किया, जितना जल्दी हो सके कर लीजिए, अपने क्लाइंट को बोलिए करने के लिए और जितना जल्दी हो सके उस चेक करिए ताकि आप जो है लॉन्ग टर्म यहाँ पे बेनिफिट वो कमा सके। सो वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा जरूर लाइक करिए शेयर करिए अपने सभी दोस्तों के साथ। तब तक मिलते हैं गाइस हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए, खुश रहिए, टेक केयर, बाय बाय।